आकाशवाणी हैदराबाद है। कोविड-19 के खुसूसी उर्दू बुलेटिन के साथ मैं हूं अयास अहमद। मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की शरह 49.47% हो गई है। अब तक 147,195 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,166 अफराद इस वबा से ठीक हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद 141,842 है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,956 नए मामले सामने आए हैं और मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 2,97,535 तक पहुंच गई है। इस वबा के फूट पड़ने के बाद से अब तक एक ही दिन में सबसे ज्यादा तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वबा से 396 अफराद की जान गई और अब तक 8,498 अफराद फौत हो चुके हैं। मुल्क में अमवात की शरह 2.85% है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में मुल्क की मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में 1,50,305 टेस्ट अंजाम दिए गए हैं। ताहल 52,13,140 लोगों के नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR की जानिब से मजीद सरकारी व खानगी लेबोरेटरीज को मंजूरियां दी जा रही हैं ताकि मुल्क में टेस्ट के अमल में तेजी लाई जा सके। फिलहाल मुल्क भर में 877 लेबोरेटरीज में कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें 637 सरकारी और 240 खानगी लेबोरेटरीज शामिल हैं। तेलंगाना में कल 208 नए कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए और 9 अमवात हुई है। रियासत में मजमूई मामलों की तादाद 4,320 तक पहुंच गई है। अभी तक 165 अफराद इस वबा से फौत हो चुके हैं। कल सामने आए मामलों में ग्रेटर हैदराबाद से सबसे ज्यादा 175 केसेस हैं। मेडचल से 10 और रंगारेड्डी से 7 कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। उधर आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,775 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 141 अफराद के टेस्ट का नतीजा मुस्बित पाया गया। एपी स्टेट नोडल ऑफिसर विजयवाड़ा के मुताबिक कम से कम 59 मरीजों को सेहतियाब होने पर अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। एपी में अभी तक 4,402 अफराद इस वबा में मुब्तला हुए हैं। GHMC के मेयर बोंतू राम मोहन, उनके अरकान खानदान और GHMC के दीगर कई ओहदेदारान उस वक्त होम क्वारंटीन में चले गए जब मेयर का ड्राइवर कोरोना से मुतासिर पाया गया। मस्कुरा ड्राइवर कामों के मुआयने के वक्त मेयर के हमराह था और उसके कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बित पाया गया, जिसके बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर मेयर और उनके अफराद खानदान को होम क्वारंटीन कर दिया गया। इससे कबल मेयर की पेशी में काम करने वाले एक अटेंडर का नतीजा भी मुस्बित पाया गया था। वजारत अमकिना व शहरी उमूर की जानिब से रियासतों, शहरों और मेट्रो रेल कंपनियों को कोविड-19 के तनाजुर में अर्बन ट्रांसपोर्ट खिदमात की बहाली के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वजारत ने 3 मरहलों पर मुश्तमिल एडवाइजरी जारी की है, जिनमें 6 महीनों पर मबनी मुख्तसर मुद्दती, 1 साल पर मबनी दरमियानी मुद्दत की और 1 से 3 बरस का इहाता करने वाली तवील मुद्दती एडवाइजरी शामिल है। अमकिना व शहरी उमूर के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट के अहिया और हौसला अफजाई की तजवीज दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरी इलाकों में रीढ़ की हड्डी तसव्वुर की जाती है, खासकर कम और औसत आमदनी रखने वाले अफराद की रोजमर्रा जिंदगी का अहम जुज है। बीजेपी के साबिक रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण समेत दीगर पार्टी लीडरों को आज उस वक्त घर पर नजरबंद कर दिया गया जब वो कोविड-19 के तनाजुर में रियासत में पैदाशुदा हालात पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मेमोरेंडम पेश करने की गर्ज से जा रहे थे। आकाशवाणी हैदराबाद से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।